आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं रामबन में आई भारी तबाही की। इस तरह से अलग अलग इलाकों में यहां पर जमीन धसी है, लेकिन ये पहला मौका है जब यहां पर देखा जा रहा है कि पूरा का पूरा करीब बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर का इलाका जो है ऊपर तक वो इसमें यहां पर पूरी तरह से नीचे आ रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। पाइनोट इलाके में कई जगह जमीन धस गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रामबन में लैंडस्लाइड से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पाइनोट इलाके में जमीन धसने से भारी नुकसान, गांव के करीब 50 मकान प्रभावित हुए हैं। भारी नुकसान हुआ है 50 मकानों को, 30 मकान पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। बिजली के 4 बड़े टावरों के साथ बिजली का 1 रिसीविंग स्टेशन भी प्रभावित हुआ है। फिलहाल प्रशासन लोगों की मदद कर रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर हालात क्या बने हुए हैं। रामबन जिले में ये जमीन धस गई है और ये देखिए घर के घर तबाह हो गए हैं। लोग यहां से अपना सामान शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जमीन में दरारें पड़ गई हैं, ये आप देखिए। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं। गांव के करीब 300 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है, बाकी लोगों को हटाया जा रहा है। ये वो बिजली टावर है जिसको भारी नुकसान हुआ है पूरी तरह, ये पूरा इलाका प्रभावित हुआ है। ये घटना जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर हुई है। सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए लोग मजबूर हैं, यहां से लोगों को हटाया जा रहा है। जमीन धसने के पीछे के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। पुलिस प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद, लोगों को सहायता पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। यातायात व्यवस्था ठप हो गई है, चूंकि तमाम ऐसी सड़कें जो यहां पर जमीन धंसने की वजह से पूरी तरीके से जिनका संपर्क मार्ग टूट चुका है। इस समय हम रामबन के परनोत इलाके में मौजूद हैं और ये जो परनोत इलाका है यहां पर गुरुवार शाम से जमीन धंसना जो है वो यहाँ पर शुरू हुई थी और तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इस इलाके में जमीन धंसी है। उसके बाद यहाँ पर ये जो सड़क है वो पूरी तरह से यहाँ पर डैमेज हो गई है। बड़ी बड़ी दरारें जो हैं वो आप साफ तौर पर इस सड़क पर यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा ऊपर का यहाँ पर इलाका है, करीब 1 किलोमीटर लंबा जो इलाका है वो इस यहाँ पर जो जमीन धसी है उसकी चपेट में यहाँ पर आया है। और इसकी वजह से जो यहाँ पर ऊपर परनोत गांव है वहाँ पर 30 से ज़्यादा मकान जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इसके साथ ही साथ 60 मकान जैसे हैं जो बताया जा रहा है कि डेंजर जोन में हैं। ऐसे में अब प्रशासन ने इस पूरे गांव को यहां पर खाली करा लिया है। 300 से ज़्यादा लोग जो हैं उन्हें यहां से जो सुरक्षित स्थान है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो इस समय इस पूरे इलाके में मौजूद हैं और अगर यहां पर किसी तरह का कोई हादसा होता है तो उसके लिए यहां पर तैयार बैठी हैं। इसके साथ ही हम बात करें तो ज़मीन खिसकने से यहां पर जो बिजली के टावर हैं, करीब 4 ऐसे टावर हैं जिनको यहां पर इस ये जो धसा है यहां पर पूरा इलाका उससे यहां पर नुकसान पहुंचा है। और उसके साथ ही साथ यहां पर बिजली का एक बड़ा रिसीविंग स्टेशन है उसको भी यहां पर डैमेज पहुंचा है और ये जो पूरी रोड है फिलहाल इसे यहां पर बंद कर दिया गया है और अब यहां पर किसी को भी आगे जाने की इजाज़त जो है वो यहां पर नहीं दी जा रही है। लेकिन ज़रूर जो यहां के लोग हैं वो फिलहाल यहां पर डरे हैं, सहमे हैं और इसी को देखते हुए प्रशासन ने इस पूरे इलाके को यहां पर खाली करा लिया है और लगातार अब किसी को भी यहां पर इस इलाके में घूमने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का बड़ा डैमेज जो है वो यहां पर हुआ है। लगातार ये जो ज़मीन है वो यहां पर खिसकती जा रही है। लगातार जो यहां पर प्रशासन है वो इस पर नज़र बनाए हुए है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले भी इस तरह से अलग अलग इलाकों में यहाँ पर ज़मीन धंसी है, लेकिन ये पहला मौका है जब यहाँ पर देखा जा रहा है कि पूरा का पूरा करीब बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर का इलाका जो है ऊपर तक वो इसमें यहाँ पर पूरी तरह से नीचे आ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बड़े बड़े पेड़ लगे हैं वो भी यहाँ पर नीचे आ रहे हैं। ऐसे में कोशिश यही है प्रशासन की कि यहाँ पर कोई जानी नुकसान जो है वो यहाँ पर ना हो, इसीलिए इस पूरे इलाके को यहाँ पर फिलहाल जो है वो यहाँ पर बंद कर दिया गया है।
वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, रामबन। शाहनवाज खान की आप रिपोर्ट देख रहे थे, वो इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ही लाइव जुड़े हुए हैं वहां की जानकारी देने के लिए। शाहनवाज, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बताई जा रही है? प्रशासनिक अमला मौके पर है, कितने लोगों को वहां से हटाया गया है, कितने घरों को बहुत नुकसान हुआ है, लोगों को चोटें तो नहीं आई हैं, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए लक्ष्मी, इस समय हालात काफ़ी नाजुक है और मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर ये रोड यहाँ पर डैमेज हुआ है आगे, वहाँ पर हम मौजूद थे और दो तारे जो हैं, जो यहाँ पर टावर लगा हुआ है उससे यहाँ पर गिरी है और बाल बाल यहाँ पर जो लोग थे और हम थे, उन हमारी जान जो है वो यहाँ पर बची है। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि दूर से तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि पूरा का पूरा पहाड़ जो आप अगर देख सकें तो ऊपर का जो एरिया है वो सारा का सारा यहाँ से नीचे जो है वो यहाँ पर आ रहा है। कई पेड़ यहाँ पर गिर चुके हैं और इस इलाके के ऊपर यहाँ पर 30 जो घर हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर डैमेज हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि गुरुवार शाम को 5 बजे जैसे ही ये ज़मीन धंसना यहाँ पर शुरू हुई थी, उसके बाद से ही जो लोग थे वो वहाँ से निकलना शुरू हो गए थे। प्रशासन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हरकत में आ गया था, लेकिन अभी भी खतरा बना हुआ है। 4 टावर जो हैं वो यहाँ पर डैमेज हैं, लोग जो टावर के नीचे रहते हैं वो यहाँ पर काफ़ी डरे सहमे हुए हैं। यहाँ पर लोगों से आपकी बात करा देते हैं, आप मुझे बताइए कब से ये ज़मीन धंसना शुरू हुई और अभी क्या हालात हैं इस पूरे इलाके में? ये बीरवार 4 बजे से स्टार्टिंग हो चुका है ये मसला और ज़मीन धंसना शुरू हो चुकी है। इसके लपेट के अंदर कम से कम 3 किलोमीटर एरिया जो इस पर जारी चल रहा है इस फैसलेट, जिसके अंदर ऊपर का एरिया जो है 1.5 किलोमीटर के आसपास में, इसमें एक मंदिर था, एक आश्रम था और घर 25 घर बेघर हो चुके हैं। जो हमारे घर यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से नीचे तेल का एक वार्ड आता है, उसके अंदर 20-25 घर है, उनको घरों से निकाला गया है। मैं देख रहा हूँ आप डरे हुए थे, आपके घर के ऊपर टावर है, क्या डर लग रहा है आपकी कहीं ये टावर इस साइड में? हाँ, पूरी रात से डर की वजह से बैठे हुए हैं और मस्जिद के अंदर खड़े होकर रात गुजारी है हमने, जिसकी वजह से 440 KV का टावर है, उसकी तारें, अगला वाला टावर हिल रहा है, उसकी वजह से यहाँ झटके पड़ रहे हैं तारों के और टावर हमारे मकान के। कितने लोग इससे इफेक्ट हुए, कितने लोग आपके इलाके के इफेक्ट है और कहाँ शिफ्ट किया? हमारे इलाके के लोग कम से कम 550 के करीब लोग। शाहनवाज, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की, रामबन के हालात पर नजर बनी हुई है। जितेंद्र सिंह ने DC से बात की है इस पूरे मामले को लेकर, जितेंद्र सिंह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है राहत प्रयासों पर जोर देते हुए प्रभावितों के साथ प्रशासनिक अमला लगातार है। पैनोट गांव में हुए इस भूस्खलन के बाद राहत कार्य के संबंध में वो लगातार बात कर रहे हैं, अधिकारियों से संपर्क में हैं। शाहनवाज, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बताई जा रही है? प्रशासनिक अमला मौके पर है, कितने लोगों को वहां से हटाया गया है, कितने घरों को बहुत नुकसान हुआ है, लोगों को चोटें तो नहीं आई हैं, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए लक्ष्मी, इस समय हालात काफ़ी नाजुक है और मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर ये रोड यहाँ पर डैमेज हुआ है आगे, वहाँ पर हम मौजूद थे और दो तारे जो हैं, जो यहाँ पर टावर लगा हुआ है उससे यहाँ पर गिरी है और बाल बाल यहाँ पर जो लोग थे और हम थे, उन हमारी जान जो है वो यहाँ पर बची है। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि दूर से तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि पूरा का पूरा पहाड़ जो आप अगर देख सकें तो ऊपर का जो एरिया है वो सारा का सारा यहाँ से नीचे जो है वो यहाँ पर आ रहा है। कई पेड़ यहाँ पर गिर चुके हैं।